ये दो तस्वीरें देखिए, इंडिया बनाम भारत की तस्वीरें। पहली तस्वीर में यॉर्कशायर टेरियर नस्ल का एक कुत्ता है, जिसे उसके मालिक के साथ भारत सरकार ने उज्बेकिस्तान से एयरलिफ्ट किया है। वहीं दूसरी तस्वीर में साल भर का एक बच्चा है, जिसके पिता ने एक हाथ से ट्रक की रस्सी पकड़ रखी है और दूसरे हाथ में उसके कलेजे का टुकड़ा लटक रहा है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को लोग इंडिया वर्सेस भारत की तस्वीरें बता रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर हर जिंदगी अहम है तो फिर गरीबों के प्रति ऐसा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। एक तरफ भारत सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट कर वतन वापसी करा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश में फंसे करोड़ों मजदूरों की कोई मदद नहीं की जा रही। उल्टे एक के बाद एक मजदूर विरोधी कदम उठाए जा रहे हैं। ये 17 दिन का बच्चे को आप लेके जा रहे हैं, क्या आप लोग चल के क्यों जा रहे हो? काम नहीं, कुछ नहीं, खाने की नहीं, सब कुछ नहीं, क्या खाएंगे, क्या रहेंगे। हाँ, गाड़ी की मदद किसने की या क्या हुआ? भारत सरकार ने अब कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, लेकिन ट्रेन में सिर्फ एसी कोच होंगे, जनरल बोगी या स्लीपर नहीं होगा। टिकट की बुकिंग सिर्फ IRCTC की ऐप या वेबसाइट से ही हो सकती है। लेकिन क्या इधर उधर फंसे गरीब अनपढ़ मजदूर IRCTC की वेबसाइट पर खुद से टिकट बुक कर सकते हैं? क्या वो ऐप के जरिए ई टिकट ले सकते हैं? क्या उनके पास ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प है? इन सवालों को अगर आप खुद से पूछेंगे तो भी आपको जवाब मिल जाएगा। हम में से जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी ऑनलाइन बुकिंग करने में नाकाबिल हैं। आप अपने घर में देखिए, क्या आपकी माँ, आपका पिता या आपका कोई रिश्तेदार इस तरह से ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है? लेकिन शायद भारत सरकार को ये सवाल जरूरी नहीं लगते। क्या सरकारें जानबूझकर मजदूरों को अपने घर जाने से रोक रही हैं? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसके मेहनतकश तबके का सबसे बड़ा हाथ होता है। मजदूरों ने ही इस देश को बनाया है और वही इसकी रीढ़ हैं। खासकर पूंजीपतियों के लिए सस्ता श्रम मुहैया कराना सरकार के लिए एक बड़ी प्राथमिकता नजर आती है। अगर मजदूर चले गए और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए तो तमाम राज्यों में चल रहे कारखाने ठप हो जाएंगे, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे और पूंजीपतियों का मुनाफा जीरो पर आ जाएगा। इसलिए कई मजदूर संगठन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर सरकारें अपने राज्यों से मजदूरों को जाने के लिए साधन मुहैया नहीं करा रही। पूंजीपतियों को सस्ता श्रम मुहैया कराने के लिए ही यूपी, एमपी और हरियाणा जैसे बीजेपी शासित राज्यों में श्रम कानून को 3 साल के लिए निरस्त कर दिया गया है। मजदूरों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराने को मंजूरी दी गई है। लेकिन क्या अर्थव्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की है? अगर देश में इतना ही संकट है तो हर विभाग, हर छोटे बड़े दफ्तर, कंपनी और मंत्रालयों में 12-12 घंटे काम करवाइए। आखिर देश के निर्माण में सबको योगदान देना चाहिए, लेकिन इस मुश्किल वक्त में सारी मार गरीबों और मजदूरों पर पड़ रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कड़े संघर्ष के बाद मजदूरों को जो हक दिलाए थे, अब उन्हें छीना जा रहा है। औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर बिखरी ये रोटियां गवाही देती हैं कि इन्हीं की तलाश में करोड़ों मजदूर मारे मारे फिर रहे हैं। 14 मजदूर ट्रैक पर कटकर मर गए तो लोग सवाल कर रहे हैं, ट्रैक पर सोने की क्या जरूरत थी? मोबाइल पर नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के सब्सक्रिप्शन के साथ वेब सीरीज देखकर इस साला मजदूर लोग बोलने वालों को इनकी पीड़ा नहीं दिखती। सरकार कह रही है कि मजदूर रेल पटरी और सड़कों का इस्तेमाल चलने के लिए ना करे। अब सरकार को यह भी बताना चाहिए कि फिर मजदूरों को लेने के लिए कौन सा पुष्पक यान आएगा। कोई पुलिस की लाठियां खा रहा है तो कोई मीलों चला जा रहा है। इंडिया के अमीरों के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोगों ने भी इस महामारी के समय जबरदस्त असंवेदनशीलता दिखाई है। ताली थाली और घंटा बजाकर गो कोरोना गो करने वाला मध्यम वर्ग गरीबों के प्रति आंखें मूंदे बैठा है। कोरोना संकट ने सरकारों की नाकामयाबी को जग जाहिर कर दिया है। लॉकडाउन के 50 दिनों में भी उतनी तैयारियां नहीं की गई जितनी जरूरी थी। लेकिन सरकार से ना मीडिया सवाल कर रही है और ना ही देश के संपन्न नागरिक। इंडिया वालों को तो भारत वालों का दुख दिखता ही नहीं। लेकिन हर किसी को ये जरूर याद रखना चाहिए,
शरीर की रीढ़ टूट जाए तो आप खड़े नहीं हो सकते, बस रेंग सकते हैं। मजदूर आपकी रीढ़ है और वो लगातार टूट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। सड़क पे जाते हैं उधर उधर से भगा देते हैं सर। कुछ खाने उन्हें भी व्यवस्था कुछ नहीं खाया, पानी उन्हें कुछ नहीं देते हम लोग। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, मासिक मेंबरशिप लेकर द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।